दोस्तों बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आया है, आर्महोल का मेजरमेंट कैसे लेना है, अलग अलग साइज के लिए वो उनको समझ में नहीं आता है, डीप नेक पे कैसे लेना है और हाई नेक पे कैसे लेना है। देखिए, जो लोग अभी भी टेलरिंग सीख रहे हो, बिल्कुल न्यू हो, आपको बोलना चाहूँगी, पहले पहले आप बॉडी से मेजरमेंट लेके आर्महोल कटिंग मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, पहले पहले मेजरमेंट लेते टाइम आपको दिक्कत होगा, सही तरीके से अगर आर्महोल का मेजरमेंट नहीं होगा ना, उस टाइम पर क्या होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप स्किप कर दीजिएगा बॉडी से मेजरमेंट लेना, साइज के हिसाब से कितना लेना होता है वो ही मैं आज आपको समझाऊंगी। मैं जिस तरह से दिखाऊंगी ना, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, किसी के लिए भी कोई भी साइज का बॉडी हो, आपका आर्महोल परफेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से वो लेना है। अभी देखिए, ब्लाउज का लंबाई आप अपनी हाइट के हिसाब से रख देना है, जितना आपका हाइट है। और ब्लाउज का शोल्डर देखिए, अगर डीप नेक होता है उस टाइम पे सीधा 5.5 इंच रख दो। तो अभी देखिए, आर्महोल किस साइज पे कितना लेना है वही मेन बात है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस ब्लाउज के हिसाब से दिखाऊंगी, ये 34 अपर चेस्ट है, इसके हिसाब से दिखाऊंगी। तो 34 पे देखिए आर्महोल कितना लेना है, इसमें आप 1.5 इंच रख दो, मतलब 6 इंच से 2 सूत कम यहाँ पे आर्महोल रख दो। तो यहाँ पे रखने के बाद इसको सीधा मिलाना है, इसको भी मिला देना है। अभी देखिए, चेस्ट का 4th भाग लेना है, तो इसमें आप 8.5 इंच रख दो। रखने के बाद इसके साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख दो। फिर देखिए, कमर के लिए आपको क्या करना है, जितना टोटल अपर चेस्ट है उससे 1/2 इंच घटा के कमर के लिए रख दो। इस तरह से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। अभी आर्महोल शेप यहाँ पे देखिए, 1 इंच पे आप आर्महोल शेप रख दो, इसको इस तरह से नीचे की तरफ दबा के जरूर देना है। अलग अलग साइज के लिए आर्महोल शेप कैसे देना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो अभी देखिए, अपर चेस्ट जब 30 से 36 तक होगा उस टाइम पे आप सीधा 5.75 इंच रख दो। आर्महोल का मेजरमेंट इससे कम ज्यादा लेने का जरूरी नहीं है, आपका परफेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, 37 से 39 जब यहाँ पे अपर चेस्ट होगा तब 5.75 इंच से 6 इंच होता है। देखिए, अगर आप न्यू होते हो, आपको समझ में नहीं आता है कैसे लेना है आर्महोल का मेजरमेंट बॉडी से, उस टाइम पे आप सीधा 6 रख दो। यहाँ पे अगर हल्का लूजिंग होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा दबा के आप यहाँ पे सिलाई कर दो फिटिंग्स करते टाइम, उस टाइम पे आपका आर्महोल पे यहाँ पे लूजिंग नहीं होगा, परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। जब 40 से 43 तक अपर चेस्ट होगा उस टाइम पे भी आप सीधा आर्महोल 6 इंच रख दो डीप नेक पे। इस पे भी और कुछ भी नहीं करना है, आपका आर्महोल परफेक्ट होगा। देखिए, बॉडी के हिसाब से आर्महोल कितना लेना है, चेस्ट कितना लेना है, शोल्डर कितना लेना है, उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, पूरा चार्ट है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो ये हो गया है डीप नेक, लेकिन हाई नेक पे कैसे देना है वो भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी। हाई नेक पे थोड़ा सा अलग है, पहले इसको मिटा लेती हूँ फिर दिखाते हूँ आपको हाई नेक पे। तो हाई नेक पे देखिए, शोल्डर यहाँ पे 7.5 इंच अब रख दो 34 साइज पे। तो 7.5 इंच पर देखिए मैंने यहाँ मिला लिया, लेकिन यहाँ पर देने के बाद शोल्डर को जरूर आपको डाउन करना है, डाउन नहीं करने से आपका फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। तो इस साइड पे देखिए, 1/2 इंच आपको जरूर डाउन करना है कोई भी साइज का हो। फिर देखिए, यहाँ पे मैं 6.5 इंच सीधा रख दूंगी, अब भी 6.5 इंच रख दो। रखने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो अभी देखिए, चेस्ट का 4th भाग लेना है 8.5, इसके साथ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और आर्महोल शेप को हल्का सा अंदर की साइड से इसको देखिए दबा के नीचे की तरफ देना है। अभी देखिए, नेक का चौड़ाई आप 3.5 इंच रख दो, दोनों पॉइंट को मिला दो, हो गया है। अभी देखिए, बैक साइड पे नेक डेप्थ आप 1/2 इंच रखो, 1 इंच रखो, 1.5 लो, यहाँ पे 2 इंच रख दो, 2.5 इंच रख दो, 3 इंच या 3.5 इंच रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने हिसाब से आर्महोल कम ज्यादा ले सकते हो। ये हो गया 34। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब अपर चेस्ट 30 से 31 होगा उस टाइम पे आर्महोल आप सीधा 6 इंच रख दो। जब 32 से 34 होगा उस टाइम पे 6.2 से आप 6.5 इंच भी ले सकते हो। जिन लोगों का आर्महोल ज्यादा है तब 6.5 इंच रख दीजिएगा। 35 से 43 जब अपर चेस्ट होगा उस टाइम पे 6.5 इंच आर्महोल आप सीधा रख दो। इसमें और ज्यादा लेने का कोई भी जरूरी नहीं है, आपका ब्लाउज यहाँ पे परफेक्ट होगा, आर्महोल पे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान में रखना है, ये सिर्फ हाई नेक और कॉलर ब्लाउज पे होगा, डीप नेक पे नीचे का जो मेजरमेंट अभी दिखा है ना, ये नहीं होगा। मेरे बॉडी पे जो ब्लाउज है ना, ये बोटनेक है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है, इसके साथ नहीं होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।